हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पर रनिंग करने आया था तो सोचा आप लोगों के साथ रनिंग के बेनिफिट्स ही शेयर कर लूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि सारी दुनिया की आर्मी और पुलिस में रनर्स को ही क्यों प्रेफर किया जाता है? बिकॉज दे नो जो लोग रनिंग करते हैं वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। रनिंग से आपके ब्रेन में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको फोकस करने में हेल्प करते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं और जो आपकी लाइफ में से स्ट्रेस कम करते हैं। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे रनिंग के फिजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले, एज एवरीबडी नो, और ये एक मिथ भी है स्पेशली इन इंडिया, कि रनिंग से हम पतले होते हैं। बट ऐसा नहीं है। रनिंग जो लोग मोटे होते हैं उनको पतला करने में हेल्प करती है, क्योंकि रनिंग से जो हमारा फैट है वो कम होता है। बट जो लोग पतले होते हैं उन्हें मस्कुलर बनाने में हेल्प करती है, हमारी मसल्स को रनिंग स्ट्रॉन्ग करती है। बिकॉज जैसे हम रन करते हैं हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और हमारी मसल्स को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है और हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे हम मस्कुलर ज़्यादा बनते हैं। सो रनिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर ओबीस एज वेल एज जो लोग पतले हैं उनके लिए भी, क्योंकि उन्हें मस्कुलर बनाती है। सेकेंडली, ये तो सभी को ही पता है कि रनिंग के हमारे हार्ट पर बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। रनिंग हमें हाइपरटेंशन से बचाती है, रनिंग हमें फ्यूचर में होने वाली कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक वगैरह से बचाती है, रनिंग डायबिटीज़ लोगों के लिए बहुत अच्छी है, रनिंग कोलेस्ट्रॉल हमारा कम करती है, रनिंग हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर हम हर रोज़ रनिंग करेंगे तो जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है रनिंग से थ्रू ब्लड, वो हमारे बोन्स में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होता है और हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है। एंड द नेक्स्ट चीज़ जो कि मेरा फेवरेट भी है, रनिंग से हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? बेसिकली रनिंग एक्ट एज ए स्ट्रेस बस्टर, ये हमारे स्ट्रेस को कम करती है। बिकॉज जब हम रनिंग करते हैं हमारी बॉडी में एक हॉर्मोन होता है जिसे हम स्ट्रेस हॉर्मोन बोलते हैं, दैट इज़ कोर्टिसोल, वो हमारी बॉडी से कम होता है और डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमें हैप्पी रखने में हेल्प करता है। सो इफ़ यू आर स्ट्रेस, अगर आप हर रोज रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी से कोर्टिसोल कम होगा और आपको हैप्पी रखने में हेल्प करेगा। जब आप रनिंग करते हो आपके ब्रेन का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन सेल्स इंप्रूव होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन और उनका नंबर इंक्रीज होता है, जिस वजह से आप फोकस कर पाते हो, आपकी अडेप्टिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो कम होते हैं, आप अपने काम पर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हो और आपका स्टेमिना और आपकी नींद दोनों ही इंप्रूव होती हैं। सो अगर आपकी लाइफ में एक्सेसिव स्ट्रेस हो चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है, तो आप सिर्फ भागना शुरू कर दें। अब इस भागने से मेरा सिचुएशन से भागने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि आप हर रोज़ रनिंग करना शुरू कर दें। अगर आप हर रोज़ रनिंग शुरू करेंगे तो आपके बॉडी से स्ट्रेस हॉर्मोन कोर्टिसोल कम होगा और आपकी बॉडी में हैप्पीनेस हॉर्मोन दैट इज़ डोपामिन वो इंक्रीज होगा, जो कि आपको हैप्पी रखने में हेल्प करेगा और आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे।